कि ये पहला नहीं होगा और इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं को और राजनीति में महिला की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाए। देखिए, दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति, ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हों। इसके बारे में आपको हमने पहले बताया कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। आज तक जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज़्यादातर पब्लिसिटी और कागज़ों में और चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ऊपर आती है, उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली ज़मीन पे होगा। इसकी शुरुआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 33% आरक्षण था उससे इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही, वह भी कांग्रेस पार्टी की थी। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब दूसरे विदेश में और पूरे दुनिया भर में बहुत कम महिलाओं की राजनीति में उस स्तर पर भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में एक महिला वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनी है कुछ सालों पहले, और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहाँ पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का और वे लड़ रही हैं। ये बात नहीं है, ये महिलाओं की लड़ने की बात, ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। खास तौर से जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती है, वो सहने में कोई उसके का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है: स्वाभिमान, स्वालंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। देखिए, स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं।